महान समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई दिग्गजों ने उन्हें नमन किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि महान समाज सेवी विचारक दार्शनिक एवं लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे। समाज सुधार के प्रति उनकी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। वे फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसीलिए उनकी पीढ़ी फुले के नाम से जानी जाती थी। ज्योतिबा के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ वर्ष 1848 में आया, जब वे अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में हिस्सा लेने पहुंचे। शादी में दूल्हे के रिश्तेदारों ने निम्न जाति का होने के कारण उनका अपमान किया। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वे सामाजिक असमानता को उखाड़ फेंकने की दिशा में कार्य करेंगे, क्योंकि जब तक समाज में स्त्रियों और निम्न जाति वालों का उत्थान नहीं होगा, तब तक समाज का विकास असंभव है। महात्मा फुले ने दलितों पर लगे अछूत के लांछन को धोने और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के भी प्रयत्न किए। इसी दिशा में उन्होंने दलितों को अपने घर के कुएं को भी इस्तेमाल करने की इजाजत दी। शूद्रों और महिलाओं में अंधविश्वास के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिबा के कार्य में उनकी पत्नी ने भी बराबर का योगदान दिया। महात्मा फुले के समाज के प्रति किए गए कार्यों और उनके भाव को देखकर 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी और 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा जी की पुणे में मृत्यु हो गई। नेशनल चैनल कात्यायनी के चैनल हेड ललित सुमन ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें शत शत नमन किया।